बस बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ कि मंजू आंटी ने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस अवसर पे आ पाऊँ, और ये जो एक इनिशिएटिव इनका है, मैं बहुत ही दिल से इनकी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये इवेंट हर साल आप करती हैं, राइट? हाँ, हर साल करती हर हैं, साल आप करती हैं। तो ज़्यादातर लोग ये नहीं कर पाते हैं कि अपने ही एक कोई छोटे जेस्चर्स की तरीके से हमें पूरे हिंदुस्तान के लिए, जो हमारा परिवार जिस वजह से खुश रहता है, उनके परिवारों के लिए हम क्या करें। एंड मंजू आंटी इज डूइंग दैट, सो आई एम वेरी ऑनर्ड एंड वेरी प्रिविलेज्ड दैट शी इज कंसिडर्ड मी वर्दी ऑफ कमिंग टुडे। हाँ, बस मैं यही चाहती हूँ कि हम सब अपने लिए तो जीते हैं, लेकिन आज ज़रूरत है कि हम अपने सैनिक परिवारों के लिए जिएं, अपने सैनिकों के लिए जिएं, क्योंकि हम उन्हीं की वजह से हम चैन की नींद सोते हैं, वह खून की होली खेलते हैं, तो हम घरों में दिवाली मनाते हैं। तो कैसे थे, किसी भी देश का जो गर्व होता है वो उसकी सेना होती है। दुनिया की सारी दौलत आप एक पलड़े में रख दो और दूसरी तरफ एक सैनिक की वीरता रख दो, तो उस वीरता का पलड़ा हमेशा भारी होगा, क्योंकि इन सैनिकों की वजह से हमारा देश है, देश है तो हम हैं और हमारा अस्तित्व। It's very nice, it's very heartwarming, it's very exciting to see so many people, you know, getting together to support this. And बस मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहूँगा कि हर साल इस इनिशिएटिव का मैं एक छोटा सा हिस्सा बन के हमेशा मौजूद रहूँ। The first reaction was that I am feeling so proud that Manju aunty is doing this. I'm so sorry I didn't know about this earlier, Manju aunty. इस साल आपने मुझे बुलाया तब मालूम पड़ा, तो अब मैं आपसे कह रहा हूँ, you know, it's on record. हर साल मुझे आना है। बिल्कुल आपको आना है, और मैं नील की शुक्रगुजार हूँ कि सिर्फ मैंने एक फ़ोन किया, मैंने कहा नील बेटा आपको आना है, बोला आंटी मैं 100% आऊँगा, भले मेरी शूटिंग हो, कुछ शादी में जाना हो, लेकिन यहाँ के लिए मैं एक घंटा कैसे भी निकालूंगा। आई एम सो ऑनर्ड, दिस इज फैमिली, शी इज फैमिली, एंड फॉर हर टू डू दिस इज इट्स वेरी वेरी नाइस। नील को, क्योंकि मैं नील को जानती हूँ और मैं बचपन से जानती हूँ, इस हम इसी यहीं रहे हुए हैं पेंसिल रोड, इनको मैंने बढ़ते हुए देखा है और इनके घर हमेशा जाती हूँ, इनके पापा से, और हमारे जैसे एक परिवार के जैसा लगता ही नहीं है कि कोई फिल्मी एक्टर हैं, लगता है कि अपने परिवार के एक बेटे हैं। तो हम अपने दूसरों हक बनता है, मेरा हक बनता है बिल्कुल। और सबसे बड़ी मेरे को नील की एक बात है कि नील आज कितने भी बड़े हुए हों, लेकिन इनके अंदर जो संस्कार कुट कुट कर भरे हैं ना, वो देखने लायक है। जिस तरह से माँ बाप की सेवा करते हैं, माँ बाप के लिए करते हैं, और इनके माँ बाप माता पिता जब ये बात मुझे कहते हैं ना, तो मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं नील को जानती हूँ, ये ऐसा बेटा है। बोला Sao shipping up really well. I'm very excited. Prabhas, Bahubali, and so much action. Sujit is a very young director, but he's directing it so beautifully. I'm very excited about the film. We've done quite a bit of the shoot, but a lot is remaining. तो ये साल तो मुझे लगता है कि पूरा ही साहो के शूट में ये साल निकल जाएगा। साथ साथ में बहुत जल्द आपको मैं एक खुशखबरी देने वाला हूँ। It's regarding another film that is very close to my heart, but it's something even more. So I'm hoping that y'all are proud and y'all are honored about that. Okay, if you talk about the bonding between you and Prabhas, how was it? Well, I think I've said this before also, that I think he's one of the finest human beings. और जितना उन्हें लोगों ने पसंद किया है, प्यार दी है, इज्जत दी है, उससे मैं ये हमेशा रिपीटेडली ये बोलते रहता हूँ हर इंटरव्यू में कि वो और ज़्यादा हम्बल हो चुके हैं। तो पहले तो जब शुरुआत में जब शूटिंग कर रहे थे तो हम सभी थोड़े डरे हुए थे कि बाहुबली के बाद अब हम बाहुबली के साथ अगर शूट कर रहे हैं तो कैसा होगा, उनका नेचर कैसा होगा। मगर ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ही हम्बल हैं, बहुत नेक दिल इंसान हैं, और शूट करके बहुत मज़ा आ रहा है। जी, वेल लकली मैंने ऑलरेडी एक फिल्म तमिल में मैं कर चुका था, तो यू नो मेरा मानना है कि हर एक्टर को थोड़ा अपना स्पेस लेना चाहिए। हालांकि फिल्म मेकिंग एक ऐसा जरिया, एक ऐसा मीडियम है जहां हर एक एक्टर को एक दूसरे की मदद करनी ही होती है। अभी तक तो मैंने उनसे मदद मांगी नहीं है, मगर जानता हूँ कि जब मुश्किल वाले सीन्स आएंगे तो मैं ज़रूर उनसे मदद मांगूंगा, क्योंकि तीन लैंग्वेजेस में है। हिंदी में वो मदद हमसे मांगेंगे,
तेलुगु और तमिल में हम उनसे मदद मांगेंगे जी. बस आई जस्ट विश देम ऑल द बेस्ट. प्लीज सपोर्ट दिस कॉज ऑफ मंजू बेंस, सपोर्ट दिस इनिशिएटिव ऑफ आवर्स, गिव अस अ लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अ हैप्पी 2018. And she is also, we are both are founder of this Gyan Gangotri Kavya Manch. And ये सब हम ग्रहणियों के लिए करते हैं जिनको कल कुछ बोलना भी नहीं आता था, आज वो मंच मंच से बेफिक्र होकर बोलती हैं, कहीं भी जाकर बोल सकती हैं. तो शी इज़ बीना लड्डा एंड वी बोथ आर डूइंग दिस. एंड वी आर वेरी हैप्पी द वे आवर मेम्बर्स आर हैप्पी बिकॉज ऑफ दिस क्लब. हमको बहुत खुशी हो रही है कि हम ये करके एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिए हैं. Yeah. So what do you have to say about that? I think if I get tickets available for 1 week, I'll be going into a theater for 1 week. And about the Batman? Looking forward to that. So if and I think the best gesture anybody can do is Akshay Kumar sir's gesture. He pushed the date ahead for Padmavati, considering the fact what all unfortunately they had to face. But I'm very proud of the fraternity and the family that I belong to, where these big gestures do make a lot of, it shows how together we are. So looking forward to both the films. Thank you. Thank you.